हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका कुमार। सो आज का वीडियो होने वाला है सुपरमार्केट पर। अभी मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो था पाउंडलैंड पर, जो चिपेस्ट स्टोर है यूके का। अभी जो चीज़ पाउंडलैंड में नहीं मिल सकती वो सारी चीज़ें आप यहाँ खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स हो गए, फिर गार्लिक, जिंजर और बहुत सारी पेस्ट है, करी पेस्ट है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी और काफ़ी सस्ती मिलेगी। तो ये सुपरमार्केट का नाम है लीडल। मैं लीडल से अक्सर अपना ग्रोसरी लेके आती हूँ, जैसे तेल वगैरह है या फिर सॉल्ट है, पेपर है, आलू प्याज, वो सब मैं वहीं से ख़रीदती हूँ क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी सस्ता है। दूसरे सुपरमार्केट को कंपेयर करें तो लीडल में बहुत सस्ती रेट्स है और बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लीडल में आप क्या क्या खरीद सकते हैं, और मैं साथ में आपको प्राइस भी नीचे मैं मेंशन कर दूंगी कि ये चीज़ इतने में आपको यहाँ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप बोल रहे हो? हाँ ना, ये गार्लिक, रेड चिलीज, ये सारी 47 पेंस, 60 पेंस के आसपास है। ये देखिए कोरिएंडर, जो 47 पेंस में है, पूरा पौधा है। तो सोचिए 100 ग्राम लगभग 75 पेंस के आसपास पड़ती है। ये टमाटोज 1.79 पेंस और ये 1.59, यानी 1 पाउंड के टमाटोज है वो। मैं जनरली जो 75 या उतने पेंस में आता है ना, मैं वो टमाटोज खरीदती हूँ। इट्स बेसिकली फॉर सैलड, बट इट्स गुड टू यूज़ क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है उसका। ये रेड चिली, ये देखिए, ये है ककुम्बर, 43 पेंस। ये शिमला मिर्च 42, शिमला मिर्च, पेपर सब मिल जाता है यहाँ पे। बनाना बहुत सस्ता है, अगर यहाँ के हिसाब से बहुत सस्ता है। इट वाज लाइक फॉर 73 पेंस। और ये सारे कैश्यू नट्स, ये पूरा सेक्शन फ्रूट्स का है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। ये पोमग्रेनेट्स, इट इज़ फॉर 78 पेंस, मतलब एक पोमोग्रेनेट 78 पेंस, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में करें तो 78 रुपीज़। और ये रेड ऑनियंस 67 पेंस में 1 किलो है। तो ये काफ़ी सस्ती है क्योंकि इससे ज़्यादा सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। आजडा में भी इसकी प्राइस करीबन 75 पेंस के आसपास है, सेम रेड ऑनियंस। तो लिडल में ये 67 में है, तो ये बहुत सस्ती है, यहाँ से ख़रीदनी चाहिए। और देखिए इस सेक्शन में आलू है, ये 1 पाउंड 99 पेंस में है। बटर गोल्ड पोटैटोज, तो ये मतलब काफ़ी अच्छी वैरायटी होगी इसमें। क्वांटिटी के हिसाब से होता है, क्वालिटी क्वांटिटी बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के होते हैं शायद। लेकिन जो सबसे सस्ता होता है हम वो यूज़ करते हैं फ़िलहाल, क्योंकि वही अफोर्डेबल रहता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे किस्म के आलू हैं यहाँ पे। अलेक्जेंड्रा पोटैटोज, बेकिंग पोटैटोज 99 पेंस, ये करीबन 1 केजी के आसपास होगा। ये 1.15 पाउंड्स। ये जो है ये सबसे सस्ते वाले हैं 91 पेंस में, तो हम यही खरीदते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा सस्ता तो यहाँ पे है नहीं। और ये
करीबन 1.5 kg के आसपास रहता है, तो ये इनफ रहता है, 15 दिन तक आराम से चल जाता है, क्योंकि इतनी पटेटो की सब्ज़ी भी तो हम नहीं खाते। और ये सारे कैरेट्स वगैरह है, ब्रिटिश कैरेट्स विच आर फॉर 40 पेंस। ये अलग अलग किस्म के कैबेजेस हो गए शायद, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ नाम्स मुझे लिटरली आते नहीं है। ये कद्दू वगैरह है इसके अंदर, और ये वाइट कैबेज जो है 59 पेंस की, मैं यही खरीदती हूँ क्योंकि ये सबसे सस्ती है यहाँ पे, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो इट्स गुड। और इस सेक्शन में स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज ये सारे हैं, तो ये 1.39 का पड़ता है, 1 pound 39 pence। स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे बहुत महंगी है, दूसरे स्टोर में देखे तो वो 2 2 pound की है, पर उससे कंपेयर करें तो यहाँ लीडल में वो 1 pound 39 pence में है, तो वो मतलब सस्ती है उसके कंपैरिजन में। और ये सारे स्प्रिंग ऑनियंस है जो 29 pence, यानी कि बहुत सस्ता है, लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा मतलब इसकी एक एक्सपायरी रहती है, तो उसके हिसाब से फटाफट यूज़ करना होता है। वाटरमेलन्स, फिर यहाँ पे एप्पल्स बहुत ज़्यादा है, पर एप्पल्स भी वही महंगे ही है, 6 6 एप्पल 2 pounds 39 pence के आसपास पड़ते हैं, तो महंगे रहता है वो। और फिर इस सेक्शन में सारे ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये देखिए पेप्सी, इट इज़ 99 pence। और ये सारे अलग अलग किस्म के जूसेस भी हैं यहाँ पे, और ये सारे कट फ्रूट्स है, इसमें पाइनएप्पल वगैरह सब आ जाता है। और इस सेक्शन में फ्रोज़न मीट, चिकन, फिश ये सब मिल जाता है, और ये सारे चीज़ है, सबके अलग अलग प्राइस है। सारी डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये योगर्ट्स, सबसे अच्छा योगर्ट है ये, लो फैट नेचुरल योगर्ट 45 pence, सबसे सस्ता है ये, फिर इससे भी महंगे आते हैं लेकिन ये सबसे सस्ता है। और ये सारे डेजर्ट्स है 49 pence में, कुछ 75 pence, 59 pence, बहुत सारे अलग अलग किस्म के यहाँ पे डेजर्ट्स भी है, अच्छे आते हैं, ट्राई करना चाहिए। हम जब भी आते हैं हम कुछ ना कुछ वेरिएशन करते रहते हैं, जैसे आज मैं ये ले लूँगी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये बटर है 85 pence में, यहाँ पे सॉल्टेड, अनसॉल्टेड सभी टाइप के बटर और स्प्रेडर्स भी मिल जाएंगे। सेक्शन में जूस है, ये वाला जूस मैंने ट्राई किया है 99 pence में, प्योर ऑरेंज जूस है, कुछ मिक्स नहीं होता, तो ये सबसे अच्छा है। फिर ये एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस, बहुत अलग अलग किस्म के जूसेस है। और ये कोकोनट वाटर अच्छा है, ये ट्राई करना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है ऑयल, क्योंकि इसके बिना तो खाना बनना नहीं है, तो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल में सनफ्लावर मिल जाएगा इजीली, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी ऑलिव ऑयल, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और जनरली लोग ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं, तो और ये सस्ता है, मतलब 2.49 में है, तो इट इज़ गुड। 2.49, 2.39 इज़ लाइक अ गुड डील। फिर यहाँ पे ये टोमेटो केचप 2 pounds 19 pence में है, ये वाला मैं लेके गई हूँ, एंड इट इज़ लाइक ओके प्राइस। डिफरेंट डिफरेंट सॉसेस, ब्राउन सॉस, मस्टर्ड सॉस, यहाँ पे मेयो भी है 69 pence में, 41 pence में, तो इनको ये सैंडविचेस बनाना अच्छा लगता है। फिर ये सैलड ड्रेसिंग्स के लिए है, गार्लिक, फिर चिल्ली पेपर वगैरह सब। ये सारे स्पाइसीज है 49 pence, 65 pence, ये सारे स्पाइसेस आपको पैंस में मिल जाएंगे इजीली। और ये जो जिंजर और गार्लिक की पेस्ट है, मैं ये यूज़ करती हूँ, ये अच्छी है, इट इज़ लाइक 55 pence, तो ये एकदम सही रेट है इसके हिसाब से। और अब ये सेक्शन में ब्रेड्स है, यहाँ पे बहुत किस्म की ब्रेड्स होती है, तो मुझे यहाँ पे जो फ्रेंच ब्रेड्स है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है,
मैं ये जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ डिफरेंट मैं ऐसे ट्राई करती हूँ. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस बट इट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग आई हैव टेस्टेड हियर इन ब्रिटेन. और ये ब्रेड जो होल मील ब्रेड है नो शुगर 36 पेंस में है. और भी यहाँ पे वाइट ब्रेड्स आती है, फिर होल वीट ब्रेड्स आती है, ये सारी 65 एंड 75 के आसपास पड़ती है. मैं वाइट ब्रेड यूज़ करती हूँ. और इस सेक्शन में चॉकलेट स्प्रेडर है, नटेला है, फिर और भी दूसरे पीनट बटर वगैरह वगैरह मिल जाएगा. और यहाँ पे कैडबरी हॉट चॉकलेट है 2 पाउंड 35 पेंस में. मैंने ये लिया हुआ है, इट्स गुड. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेडर्स हैं, यहाँ पे आपको जैम वगैरह भी मिल जाएगा. तो ये सारे उसकी रेट 1 पाउंड से लेके 3 पाउंड के अंदर ही आती है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे बिस्किट वगैरह है, सारे पेंस में है. ये डाइजेस्टिव्स मैं रिकमेंड करूँगी अगर कभी टेस्ट करना हो कोई बिस्किट तो, क्योंकि ये अच्छा है. मैंने ट्राई किया था एक चॉकलेट में, चॉकलेट चिप कुकीज टाइप, वो बहुत बढ़िया है. यहाँ पे सारे रेडी मील्स है जो बस आपको माइक्रोवेव करना है और खाना तैयार. और यहाँ पे आइसक्रीम्स, यहाँ पे आइसक्रीम्स बहुत अच्छी अच्छी है. ये मैग्नम, ये ट्राई करनी है, मैंने की नहीं है अभी तक क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो इसकी वजह से. वैसे ये क्रिस्प्स, ये सारे केक वगैरह सब है. आइसक्रीम्स यहाँ पे बहुत अच्छी है और बहुत सारी मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स है. और ये सारी आपको 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड के अंदर अच्छे अच्छी से अच्छी आइसक्रीम मिल जाएगी. चीज़ केक वगैरह, चॉकलेट फज. और यहाँ पे सारे फ्रोज़न ये पिज्ज़ा वगैरह है, जो स्टीम्ड मील्स है, ये सारा है यहाँ पे. This all are ready meals, 2.19. और ये सारे फ्रोज़न है. तो इसमें ये जो है ब्रिटिश गार्डन पीस यानी कि मटर, ये 59 पेंस में है, 1 किलो होता है. ये बहुत अच्छा है, इसको कुछ बेसिकली करना है नहीं, जब पकाना होगा तब इसको फ्रीज़र से निकाल के और सीधा कुक करना है. ये बॉयल करके ही फ्रोज़ किया हुआ होता है, तो इट्स वेरी टाइम सेविंग और बहुत अच्छा होता है ये. तो मैं ये यूज़ करती हूँ, गार्डन पीस. और एक दूसरा है मिक्स वेजिटेबल, वो भी फ्रोज़न ही रहता है, जिसके अंदर सारे मिक्स वेज आ जाता है, कैरट्स आ जाता है, बीन्स आता है, फिर गार्डन पीस. तो आपको स्पेशली कोई एक एक जैसे कैरट वगैरह एक एक ख़रीदना नहीं होगा, आप बस ये पूरा फ्रोज़न ले लो जिसके अंदर सब कुछ मिक्स आ जाता है और बस फिर पका करके खा लो. सो इट्स वेरी ईजी. चपातीज है, ये चपातीज मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे लीडल में. आई डोंट नो कि ये कैसी होगी, कभी ट्राई नहीं की क्योंकि मैं खुद ही बना के खाती हूँ. तो हमने अभी लीडल से शॉपिंग की है, हमारा दोनों का मिला के कितना हो गया होगा, 15 पाउंड का. हाँ, 15-16 पाउंड का
मिला करके हमने इतना सामान लिया है, और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी जो मैंने आप सबको दिखाई। तो कुछ चीज़ें काफ़ी सस्ती थी और कुछ चीज़ें जो पाउंडलैंड में बहुत सस्ती थी वो यहाँ पे महंगी थी। तो अगर ग्रॉसरी की बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, स्नैक्स वगैरह, तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं, इतना महंगा भी नहीं है। तो हम घर पे कुछ ऐसे सामान लेके जाने वाले हैं। ये देखो, यहाँ से 25 मिनट्स वॉक करके हम ये सामान घर पे लेके जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा भारी हो गया है आज। तो यही था मेरा सुपरमार्केट ग्रॉसरी शॉपिंग का वीडियो। मैंने क्या क्या लिया मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये केला लिया है, ये मैंने 69 पेंस में लिया है। ये 5 केले है, और ठीक है, फ्रूट्स बहुत सस्ता है यहाँ पे तो लिया जा सकता है। फिर ये है फ्रेंच ब्रेड्स, तो ये मैंने 90 पेंस में लिया है। मुझे फ्रेंच ब्रेड्स अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरी रूममेट जो है वो फ्रांस से है, तो वो ये ब्रेड्स लेके आई थी अपने घर से, तो तब से मुझे ये बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया टेस्ट करने के लिए। और फिर मैंने ये गार्डन पीस लिया है, यानी कि मटर लिए हुए है। ये फ्रोज़न मटर है, ये मुझे 59 पेंस में पड़े, करीबन 900 ग्राम है। तो ये बहुत, मतलब सबसे ईजी वे है, इसको उबालने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये गरम खाने में डाल दो और बन जाएगा खाना ग्रेवी के साथ। तो बहुत अच्छा है फ्रोज़न मटर, और मैं यही प्रेफर करती हूँ अभी तो। और ये सस्ता पड़ता है एक्चुअली, अगर आप वो 1 किलो 2 किलो लेने जाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो पहली टिप है, आप फ्रोज़न फूड यहाँ ले सकते हैं, कटा हुआ मिलता है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स वो काफ़ी सस्ते होते हैं। जैसे ये है, ये मिक्स वेजिटेबल्स है, ये कटा हुआ ही है, तो ये काफ़ी सस्ता है। ये 55 पेंस में है और 1 किलो है। इसमें कैरेट आ गया, फिर मटर आ गया, बीन्स आ गए, और इसमें क्या है, और यस कोन, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। अगर आप एक एक चीज़ खरीदेंगे, जैसे कैरेट्स अलग से खरीदे, बीन्स अलग से खरीदे, तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये सब कटा हुआ आ जाता है, तो ये ज़्यादा सस्ता है और आपका टाइम भी इतना वेस्ट नहीं होता खाना बनाने में। तो ये इतना मैंने शॉपिंग किया है, और ये मैंने इतनी शॉपिंग बहुत ज़्यादा महंगी नहीं की है, सिर्फ 3.59 पेंस, यानी कि 3 पाउंड के आसपास मैंने इतना ख़रीदा है। तो मैं जनरली शॉपिंग लीडल से ही करती हूँ, अगर मुझे बहुत सारा सामान लाना होता है एक साथ तो मैं वहीं से ले आती हूँ। और मैंने प्याज भी ख़रीदी, प्याज मैंने आपको दिखाई, रेड ऑनियंस, तो वो बहुत सस्ती है। फिर आलू, वो वहाँ पर सस्ते है, तो वेजिटेबल्स तो लीडल में सस्ते ही मिलते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और कटे हुए वेजिटेबल्स जो मैंने दिखाया आपको, आप फ्रोज़न ले लीजिए, फ्रोज़न बहुत अच्छा रहता है, और वो काफ़ी, मतलब पेंस में आपको मिल रहा है, तो वो एक तरह से बहुत सस्ता है। तो वेल, ये था मेरा सुपरमार्केट ग्रॉसरी शॉपिंग का वीडियो। आप लोग को, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग ने, बहुत सबने पूछा था कि वहाँ के वेजिटेबल्स की प्राइस दिखाओ, तो जितना मैंने हो सका मैंने बताया आपको कि ऐसा ऐसा इतने प्राइस में मिलता है। और मैं और ट्राई करूँगी कि इससे भी अगर कहीं और सस्ता है तो उसका वीडियो बना करके मैं रखूँगी। सो वेल, यस, दैट वॉज इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।